अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं अरकम न्यूज HD, मैं हूं नादिया अनवर। नजर डालते हैं अब तक की अहम खबरों पर। हुकूमत का 170 अरब का मिनी बजट लाने का प्लान, महंगाई के नए तूफान में होगी इजाफी टैक्सों की भरमार, मुख्तलिफ अशिया पर GST 18% कर दिया जाएगा, माह रजब में गजब की महंगाई आने को तैयार, रमजान में क्या होगा, आवाम का सोच सोच कर बुरा हाल। अंडों की फी दर्जन कीमत 300 रुपए तक पहुंच गई, मुर्गी की फीड महंगी होने से अंडा भी महंगा है, गर्मियों में भी सस्ता होने का इम्कान नहीं। श्री रहमान का कहना था कि हमें माहौलियाती तब्दीली को संजीदा लेना होगा, पाकिस्तान का तवानाई निजाम मुस्तहकम नहीं, पावर सेक्टर में लोड शेडिंग के बजाय इसमें बचत कर सकते हैं। इमरान खान को पार्टी की सरबराही से हटाने का मामला, PTI वकील के एतराजात मुस्तरद, इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान से 7 मार्च तक जवाब मांग लिया। पंजाब में इलेक्शन मुतालिक लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर अमल किया जाए, सुप्रीम कोर्ट की इलेक्शन कमीशन को हिदायत, तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ अरकीन की अपीलें खारिज। जमात इस्लामी का 19 फरवरी को कराची में एहतजाज का ऐलान, हाफिज नईमुर रहमान का बल्दियाती इंतखाबात के अमल को मुकम्मल करने का मुतालबा। ये थी अब तक की अहम खबरें, मजीद खबरें जानने के लिए देखते रहिए अरकम न्यूज HD।